सबसे पहले अड़ी के दर्शकों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे रडार पर कौन सी तीन बड़ी खबरें हैं? सबसे पहली खबर जो कि है अड़ी के रडार पर, लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 100 मिनट के भाषण से जुड़ी कई बातें कही, पर उन्होंने कम्युनल की बजाय देश में आज एक सेक्युलर सिविल कोड की बात की। सवाल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे विवादित मुद्दे क्या गठबंधन सरकार में अभी भी संभव है? अड़ी के रडार पर दूसरी बड़ी खबर, बांग्लादेश में आखिर क्या हो रहा है? नई सरकार के तमाम दावों के बावजूद हिंदुओं के खिलाफ नफरत कम होती नहीं दिख रही। आज लाल किले में प्रधानमंत्री मोदी ने भी हालात पर चिंता जताई और कहा जल्द से जल्द पूरी स्थिति सामान्य होनी चाहिए। तीसरी बड़ी खबर, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर से जुड़ी है। बीती रात आरजी कर अस्पताल के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो रहा था, घंटे भर बाद ही ऑर्गेनाइज मॉब मौके पर पहुंचती है, डॉक्टर और प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह से पीटती है और पूरे अस्पताल में तोड़फोड़ करती है। सवाल ये कि ये भीड़ कहां से आई और आखिर इस भीड़ के पीछे असली चेहरा क्या है? क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। पूरे 45 मिनट इस भीड़ का तांडव चला, पुलिस तमाशबीन आखिर क्यों बनी रही? उल्टे कोलकाता पुलिस कमिश्नर पुलिस के निकम्मेपन की बजाय मीडिया पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं। इन तीनों खबरों में आज अड़ी का मुद्दा, बीती रात कोलकाता में तोड़फोड़ करने वाले गुंडों को अनलिमिटेड आजादी आखिरकार किसने दी? आपको याद होगा एक बहुत ही मशहूर भाषण था, At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 15 अगस्त 1947, उस दिन ये भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा कही गई अमर पंक्तियां थी। लेकिन कल आधी रात के वक्त ही कोलकाता में भारत ने एक भयानक दृश्य देखा, जिसकी सभ्य समाज में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि वो आधी रात का समय था जब गुंडों की एक बेकाबू भीड़ ने डॉक्टरों पर हमला कर दिया। वो डॉक्टर जो कोलकाता में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या और उसके बाद मामले को छुपाने की कोशिश के आरोपों के खिलाफ शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे आरजी कर अस्पताल में। रात 11:00 बाद जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, अचानक भीड़ वहां पर जमा हो गई। हंगामा देखकर छात्रों ने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया, पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस की वैनें तोड़ी गईं, बैरिकेड तोड़े गए, 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी उसमें घायल हो गए और पूरा जो हालात थी उसका खुद बयान दिया वहां फंसे हुए डॉक्टरों। तो कोलकाता में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है आप इन तस्वीरों में खुद समझ सकते हैं। ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंचे गुंडों की तस्वीर है। हजारों की संख्या में पहुंचे ये गुंडे पहले अस्पताल का गेट तोड़ते हैं और फिर वहां प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर लाठी डंडों से हमला करते हैं। कई घंटों तक अस्पताल में तोड़फोड़ और प्रदर्शनकारियों को मारने पीटने के बाद ये गुंडे अस्पताल से बेहद आसानी से निकल जाते हैं। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे सैकड़ों लोगों की भीड़ इमरजेंसी वार्ड में आ गई। आप यहां जो तंबू देख रहे हैं वो वही है जहां डॉक्टर प्रदर्शन पर बैठे थे। उन्हें लाठी चलाने वाले लोगों ने तोड़ दिया और टेंट को भी फाड़ दिया। क्या आपको इन गुंडों में जरा सा भी डर दिखाई देता है? ऐसा कहा जा रहा है कि एक ट्रक भर करके लोग यहां पर आए थे, पर सवाल यह है कि इतनी आसानी से उन्हें वापस जाने कैसे दिया गया? मतलब अस्पताल से सबूत मिटाना है, प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को मारपीट कर डराना धमकाना है, इसके लिए गुंडों की भीड़ ट्रक में भर भर कर कोलकाता के आरजी कर अस्पताल पहुंची। लेकिन सवाल है कि किसने इन लोगों को भेजा था और उन गुंडों को भेजने के पीछे की मंशा आखिर क्या थी? और अगर इतने गुंडे पहुंचे भी तो क्या पुलिस का ध्यान इन पर नहीं गया? पूरी तरीके से फंसे हुए हैं, यहाँ का कोई भी जो नॉर्मल पुलिस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये लोग हजारों के संख्या में मॉब आया है, जो यहाँ का जो भी इन्वेस्टिगेशन की जगह पे सैंपल होना चाहिए उसको टेम्पर करने के लिए ये लोग आए हैं। आपने उस डॉक्टर को सुना
क्या आपने उसकी आवाज में पूरी तरह से जो बेबसी छाई हुई थी वो सुनी? वो कह रहा है कि हम बुरी तरह फंस गए हैं और कोई भी पुलिस गुंडों को नियंत्रित नहीं कर सकती। हजारों लोग अस्पताल में आ गए हैं, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए हैं और थोड़ी देर के लिए आप फ्रेम में ये भी देख सकते हैं कि पुलिस आती है, लेकिन वो हमलावरों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई? पुलिस आई फिर कहाँ गायब हो गई? कुछ देर के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल का सारा सामान तोड़ दिया गया था। घंटे भर तक ऐसा लगा जैसे अस्पताल हाईजैक हो गया है। उपद्रवी लाठी डंडे से लैस थे, उनके हाथ जो आया उसमें तोड़फोड़ कर दी। इन उपद्रवियों की तस्वीर कैमरे में कैद हुई। आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे एक एक उपद्रवी साफ नजर आ रहा है। उस दौरान एक कमरे में बंद होकर लेडी डॉक्टर्स ने किसी भी तरह से अपनी जान बचाई। देखिए कैसे खौफ में है महिलाएं। लेडी डॉक्टर्स चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। उन्होंने खुद को बचाने के लिए एक कमरे में बंद किया और बाहर लगातार तोड़फोड़ जारी रही। तो ट्रक भरकर लोग कोलकाता में आए, अस्पताल में आए। स्थिति कैसी है इन तस्वीरों में साफ समझ में आ जाता है। गुंडे आसानी से वापस भी चले गए, यानी कि एक तरीके से पुलिस से जो उम्मीद थी वो पूरी तरह से डॉक्टरों की खत्म हो गई। जो दृश्य है बेहद भयावह है और स्वाभाविक रूप से राज्य पुलिस और राज्य सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। हमले के कुछ ही मिनटों के भीतर टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी ने ट्वीट करके कहा कि आरजी कर में गुंडागर्दी और बर्बरता सभी सीमाओं को पार कर गई है, और उन्होंने पुलिस आयुक्त से बात की और उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया है कि हर एक आदमी जो जिम्मेदार है उसकी पहचान की जाए और 24 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार किया जाए। पर मेडिकल फ्रेटर्निटी और प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स एकजुट होकर के अब तृणमूल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि इस हमले को कैसे होने दिया गया, पुलिस क्या कर रही थी। यहां पर बुरे काम एक हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं और सीएम खुद पूरा स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन ले रहे हैं। ये एनआरएस कांड में जो घटना कल घटी उसमें पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर बोल के कोई चीज पश्चिम बंगाल में नहीं है। जिस तरीके के रात के लगभग 1:30 बजे 2 से 2,500 गुंडे मेडिकल कॉलेज के अंदर घुस गए, घुस के तोड़फोड़ किया, डॉक्टरों को मारा, नर्सों को रेप करने की हुमकी उधर दिया गया, रेप करने की धमकी दी गई और पुलिस चुपचाप बैठी रही, पुलिस खुद जाके बाथरूम में छुप गई। वी विल नॉट अलाउ दिस घास्टली थिंग्स टू बी डन अबाउट आवर सिस्टर्स एनी मोर इन द स्टेट। वी आर ऑल विद यू, आवर आईज एंड इयर्स आर ओपन, वी विल फाइट इट आउट एवरीवेयर टू सी दैट जस्टिस इज गिवन टू द यंगस्टर्स। वी आर विद यू, वी विल वर्क टुगेदर एंड आई विल डिवोट माई सेल्फ एट योर सर्विस। ममता बैनर्जी सरकार में आने के बाद पार्क स्ट्रीट से लेके एक के बाद एक ऐसे घटना घटी है, और ये जो है ये दिस इज अ वेरी शॉकिंग थिंग। 150 ग्राम्स ऑफ सीमेंस, तो ये एक कोई एक जन या दो जन की बात नहीं है, इट इज ऑब्वियस दैट इट्स अ गैंग रेप। पूरे भारत में जो डॉक्टर्स के एसोसिएशन है उन्होंने कहा है कि हम अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे, पर आज जो सवाल है वो बहुत ही सीधे हैं, बहुत ही सरल है। हजारों के गुंडों की भीड़ किसी अस्पताल के अंदर कैसे घुस सकती है? आखिर ये लोग कौन थे? पुलिस ने भीड़ पर काबू समय रहते क्यों नहीं किया? करीब 1 घंटे तक तोड़फोड़ चलती रही, पुलिस कहां गायब हो गई? और क्या ये पूरा जो ये हमला था ये प्रदर्शनकारियों को चुप कराने की कोशिश थी? क्या ये सबूत को बिगाड़ने की कोशिश थी या शहर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी? चर्चा में हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं लॉकेट चैटर्जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रोफेसर दिनेश सी वाष्णेय, नेता हैं सीपीआई के, भास्कर सिन्हा रॉय टीएमसी के समर्थक हैं, और एके जैन पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। सबसे पहले सवाल भास्कर सिन्हा जी से, और यही सवाल जो पूरा देश पूछ रहा है, भास्कर जी कौन थे ये लोग, कैसे ये अस्पताल के अंदर घुस गए, पुलिस कहां? ये तो ये धरना प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने आपने देखा नहीं पहले से ही वो बैरिकेड तोड़ दिया और अंदर घुसने का कोशिश किया और अंदर घुस भी गए। बाद में इन्होंने डंडा से लाठी से पुलिस के ऊपर
चारों तरफ पुलिस ऑल्सो पुलिस को कोई इंज्योर किया और बाकी लोगों को इंज्योर किया है, अगर उस टाइम में पुलिस ने कोई रिटेलिएट करते, कोई उनको रोकते या कुछ करते, तो तोड़फोड़ जो कर रहे थे वो प्रदर्शनकारी नहीं थे, वो गुंडे थे। ये गलत, ये कौन लोग हैं? आप कह रहे हैं कि खुद डॉक्टर ने अपना अस्पताल तोड़ दिया। अच्छा, पहला बात यह कि धरना प्रदर्शनकारी में सब डॉक्टर नहीं थे, बाकी लोग भी थे, बीजेपी के लोग थे, सीपीआईएम के लोग थे, बाकी ऐसे मतलब इन लोग थे, सब डॉक्टर नहीं थे। आप जितना डॉक्टर को दिखा रहे हैं इतना डॉक्टर ये नहीं है। मैं वापस वो इमरजेंसी वार्ड का आपको ड्रोन शॉट दिखा रही हूँ, हजारों की संख्या में जो भीड़ आ रही है, आप कह रहे हैं कि ये डॉक्टर है, ये प्रदर्शनकारी है। नहीं नहीं, प्रदर्शनकारियों में देखिए, कल प्रदर्शन हुआ पूरे कलकत्ता में बहुत सारी जगह पे, लेकिन किसी भी जगह में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आरजी कर में ये सब क्यों हुआ? अगर ये प्रॉब्लम होता तो सब जगह में हो पाता, कोई करता तो, लेकिन यहाँ पर क्यों हुआ? इसका कारण ये है, आरजी कर में उन लोगों को और क्या बोला कि सबूत मिटा दिया। कौन लोग? कोई सबूत नहीं मिटाया। सर आप नाम लीजिए ना, आप क्या ये कह रहे हैं? आप मेरे को सीधे सीधे ये बताइए, तोड़फोड़ करने वाले लोग कौन हैं? क्या ये भाजपा के लोग हैं? क्या ये सीपीआई के लोग हैं? क्या ये मिला हुआ है? ये सीपीआईएम, आप कह रहे हैं कि तोड़फोड़ करने वाले लोग भाजपा और सीपीआई के हैं? जरूर जरूर, इन लोग क्या देखिए, पहले इन लोग क्या बोला कि हाँ इसको सबूत मिटा दिया इसीलिए उन लोग गुस्सा, पहले आपका डॉक्टर भी जो बोल रहे थे, लेकिन बाद में पता चला जो रूम सील किया हुआ है उसका कुछ नहीं हुआ। आपके पास सबूत है कि भाजपा और सीपीआई के हैं? किताब से किया। आप नाम बताइए ना, कौन लोग हैं? उनको तो पहचानना आसान होगा। अरे ना ना, यस, वो पहचानने के लिए पुलिस ने सबको आइडेंटिफाई किया एंड दे विल बी अरेस्टेड, उन लोग को अरेस्ट किया जाएगा। लॉकेट चैटर्जी टीएमसी के समर्थक कह रहे हैं कि ये भाजपा और सीपीआई ने मिल करके सारी तोड़फोड़ की है। बार बार बीजेपी सीपीएम सब लोगों को राजनीति लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले तो है इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। कल जो रात में आप लोग फुल नाइट में आप लोग देखे हैं, इसमें कोई राजनीति का फ्लैग नहीं था, कोई भी राजनीति रंग लेके नहीं आए थे। तो आप बोलिए, ये बोल रहे हैं कि वहां पे तोड़फोड़ भाजपा ने किया, सीपीएम ने किया, क्यों करेगा? क्यों पहुंचे? ये चाहिए हम लोग को, इंसाफ चाहिए। तो अगर इंसाफ चाहिए तो हम लोग को सबूत भी चाहिए। तो कोई जाके वहां पे जो धरना प्रदर्शन कर रहा है वो सबूत मिटाने के लिए वहां पे जाके सबूत को मिटा देंगे? सबूत कौन मिटाएगा? नहीं मिटाया गया। तो आप लोग ये जो झूठ, जो नैरेटिव आप लोग सेट करना चाह रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, बहुत ही खराब बात है। पहले आप लोगों को करना चाहिए था, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुरू में ही उन्होंने टाइम ले लिया संडे तक, वाई संडे तक ले लिया उन्होंने, क्यों संडे तक ले लिया? लॉकेट जी, कल की बात बताइए, बिकॉज सब सवाल अब ये पूछ रहे हैं कि कल आरसी कर अस्पताल में क्या हुआ? क्या ये लोग जो प्रदर्शनकारी थे, जो तोड़फोड़ कर रहे थे, भाजपा के लोग हैं? नहीं थे, ये भाजपा के लोग थे, सीपीआईएम के लोग थे। लॉकेट चैटर्जी, ये भाजपा के लोग थे? तोड़फोड़ की तस्वीरें दिखाइए, क्या ये भाजपा के लोग हैं? एकदम सामने आ गया, इन लोगों का स्क्रिप्ट इतना वीक है, इन लोगों का स्क्रिप्ट इतना वीक है कि ये, क्योंकि सब लोग को मालूम हो गया, जब पूरा शहर, पूरा बंगाल, पूरा रास्ते में खड़ा था उस टाइम में राज्यकर में जाके पुलिस के सामने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, डॉक्टर के सामने, बाहर से तृणमूल का गुंडा लोग जाके जितना बार सीसीटीवी कैमरा था, जितना सबूत था, उसको मिटाने का कोशिश किया। ओके, भास्कर सिन्हा रॉय, मैं आपको कुछ व्हाट्सएप चैट दिखाना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि ये भाजपा के लोग हैं, ये लेफ्ट के लोग हैं, आपने कांग्रेस का नाम नहीं लिया। मैं आपको कुछ, कल जब डॉक्टर्स एक दूसरे से बात कर रहे थे तो एक दूसरे को क्या बता रहे थे? वो साफ तौर पर कह रहे थे कि गुंडे हमारे अस्पताल के अंदर घुस गए हैं, कोई पुलिस नहीं है। चलिए मान भी लेते हैं कि अगर ये गुंडे किसी पार्टी से थे, आपकी पुलिस आखिरकार कहां पर थी? देखिए ये एक दूसरे को क्या कह रहे हैं। आरजी कर अस्पताल इज बीइंग अटैक्ड बाय सम गून्स, द इमरजेंसी इज गेटिंग डिस्ट्रक्टेड। आरजी कर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड पूरी तरह से तोड़ा फोड़ा जा रहा है। Mobs are entering our hospital premises. All lights are off. Female faculties are in our hostel. सरकार कहाँ है? वो कह रहे हैं कि भीड़ बेकाबू हो गई है, अंदर घुस गई है, महिलाओं पर हमला कर रही है। सरकार कहाँ है? कहाँ है सरकार? भास्कर जी, मान लीजिए कि ये किसी पार्टी के हैं, सरकार कहाँ थी? पुलिस कहाँ थी? डॉक्टर एक दूसरे से पूछ रहे हैं, डर के मारे अपने कमरे में खुद को बंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कहाँ है पुलिस, कहाँ है सरकार? कल दोपहर 3 बजे शुभेंदु अधिकारी वहां पर पहुंचे एंड ही वॉज डिनाइड
फ्रॉम गेटिंग एक्सेस, उनको कोई गुस्सा नहीं किया। आप सुवेंदु अधिकारी को छोड़िए, आप बात कीजिए इन डॉक्टरों की। ये डॉक्टर आपके प्रदेश के लोग हैं, शायद आपके वोटर होंगे, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आप इन डॉक्टरों को जवाब दीजिए, आप भाजपा को छोड़ दीजिए, आप इन डॉक्टरों के सवाल का जवाब दीजिए। क्या बोल रहे हैं वो? कह रहे हैं वेयर इज द गवर्नमेंट, सरकार कहाँ है? डॉक्टर का बात और एक डॉक्टर, मैं आपको और व्हाट्सएप चैट दिखाती हूँ। एक डॉक्टर नहीं है सर, हमारे पास कुछ नहीं तो 3 दर्जन व्हाट्सएप चैट है, क्योंकि कल जिस तरीके का माहौल अस्पताल में हो गया था, डॉक्टर हमें फोन करके बता रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि हाईजैक हो गया अस्पताल, जैसे कि पुलिस नदारद है, पुलिस दिख नहीं रही है, बंगाल की पुलिस कहीं दिख ही नहीं रही थी। आरजी कर अस्पताल इज बीन अटैक कह रहे हैं वो, मॉब्स आर एंटरिंग, मैम आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आरजीके, वी हैव बीन अटैक्ड बाय मॉब्स व्हाइल प्रोटेस्टिंग, गर्ल्स आर ट्रैप्ड इन हॉस्टल्स, स्केयर्ड फॉर लाइफ, हमारी जान पर बनाई है, हमें डर लग रहा है, महिलाओं पर हमले हो रहे हैं, गर्ल्स आर ट्रैप्ड इन हॉस्टल्स। तस्वीरें हैं हमारे पास भास्कर जी, जहां महिलाएं शीशे के पीछे खड़ी हैं, दरवाजा बंद करके खड़ी हैं, और फिर भी उन पर तरस नहीं आया, लाठी डंडे से शीशे तोड़े जा रहे हैं, महिलाएं चिल्ला रही हैं। इसको भी आप साजिश बोलेंगे? नहीं नहीं, इन लोगों का जान बचाया पुलिस, एंड पुलिस को भी इंजर्ड होना पड़ा। लेकिन ये मेरा सवाल है कि आप धरना प्रदर्शनकारी कितने लोग थे और ये कितने लोग थे, इन लोग कहां पर थे? धरना प्रदर्शनकारी सब कहां पर थे? बाहर में थे उन लोग, और ये जो बाहर से लोग लेके आए थे, भाजपा और सीपीआईएम दोनों मिलके वहां पर खड़े थे, और खड़े थे बाहर, और पुलिस भी बाहर थे। पुलिस का बैरिकेड तोड़ा कौन? ऐसे बहुत सारे तस्वीर मैं आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो ट्रकों में भर भर के लोग आ रहे हैं वो भाजपा लेकर के आई थी? लॉकेट चैटर्जी, आप ट्रक में लोग को भर के लेके आई थी? भास्कर जी तो साफ कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी वहां चुपचाप बैठे थे, आप लोग ट्रक में लोग लाए। पूरा पुलिस ने उसको पूरा घेर लिया है, आरजीकर को, डॉक्टर नार से शुरू करके स्टूडेंट्स लोग वहां पे खड़े हैं। वो बोल रहा है कि बाहर से ट्रक से हम लोग गुंडा बाहर से लेके आया, और आरजीकर को तोड़ा। क्यों तोड़ेंगे? आप बोलिए ना, कारण क्या है? कारण तो सबूत तो आप तोड़ रहे थे भाई साहब, सबूत तो आप तोड़ रहे थे। जहाँ पे आप लोग बिना बोल के जब सीबीआई के हाथ में चला गया, उसके बाद जो रूम है सेमिनार रूम को आप लोग रेनोवेशन में घुसा। आप ये दोनों सवाल का जवाब भी दीजिए पंकजा जी, ये पूछिए क्या इन लोगों ने बैरिकेड नहीं तोड़ा, क्या इन लोगों ने अस्पताल के अंदर नहीं घुसा? ये सवाल का जवाब दीजिए। ये तो आप जांच का विषय है। अगर आप ऐसे संगीन आरोप लगा रहे हैं कि ये लेफ्ट ने किया या फिर भाजपा ने किया, मेरा सवाल और लोगों का सवाल फिर भी सिर्फ यही रहेगा कि आपकी पुलिस क्या कर रही थी? एके जैन साहब, और मैं अभी पुलिस कमिश्नर ने सब कुछ होने के बाद, जब पूरी घटना घट गई, उसके बाद वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई सारा दोष मीडिया पे है। मैं अभी अपने दर्शकों को सुनाऊंगी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस ने क्या बोला, पर उससे पहले आप बताइए एके जैन जी, क्या ये एक बहुत वाजिब सी सोच नहीं है कि अगर कुछ हो भी रहा है तो पुलिस हमारी रक्षा करेगी, पुलिस मौके पे आएगी? इतना बड़ा अस्पताल, 14 अगस्त की रात, अगले दिन 15 अगस्त है, पूरे देश में कोई भी हिस्सा हो सुरक्षा चाक चौबंद होती है, 14 अगस्त की रात को एक भीड़ आती है, तोड़फोड़ के चली जाती है, और पुलिस नदारद, किससे सवाल पूछेंगे? देखिए, मैंने भी करीब 37 ईयर सर्विस की है, यूपी में भी प्रॉब्लम्स रहती हैं लॉ एंड ऑर्डर की, और जो ये घटना है, मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सब स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ना इसको बीजेपी वाले कराएंगे, ना सीपीआई वाले कराएंगे, ना डॉक्टर्स कराएंगे, वो तो एक प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शन नहीं हो रहा है, देश में प्रदर्शन हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये मिसाल है, एक सबक सिखाने की बात है कि आप लोगों ने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन चला गया, फिर भी आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखे हैं, आप हमारी अथॉरिटी को स्टेट में चैलेंज कर रहे हैं जो अनचैलेंज्ड है। ये एक डिक्टेटरशिप का नमूना है। मैं इसको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है एक प्रकार का।
ये दिखाया, एक एक एक, एक सबक दिया है कि अगर आप लोग इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो देखिए क्या हो। पुलिस के ऊपर भी अटैक करना, अपनी ही स्टेट की पुलिस के ऊपर अटैक करना, पुलिस वहां पे इसलिए थी जिससे कि वहां पर बंदोबस्त बना रहे, और वहां बंदोबस्त बना हुआ था। डॉक्टर्स भला पुलिस से क्यों भिड़ेंगे, डॉक्टर्स भला पुलिस पे क्यों अटैक करेंगे, बीजेपी क्यों अटैक करेगी डॉक्टर्स के ऊपर, सीपीआई क्यों अटैक करेगी डॉक्टर्स के ऊपर। इस समय खिन्न कौन है, कौन खिसियाया हुआ है इस समय इन परिस्थितियों से कि पूरे देश में बदनामी हो रही है। वो केवल एक ही पार्टी है, वो है टीएमसी। मैं इसको बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं। मैंने हालांकि पूरी फुटेज रात का मैं नहीं देखा, मैं इस समय अगरतला में हूं, पर मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल स्टेट स्पॉन्सर्ड है, और इतनी बड़ी मात्रा में खुद डीजीपी रह चुके हैं राज्य के। पर अभी जो पुलिस कमिश्नर हैं, जो अभी पुलिस कमिश्नर हैं, उनकी बात भी सुनिए और फिर आपके पास वापस आऊंगी भास्कर जी, पुलिस कमिश्नर की बात। What has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta police is concerned. What has Calcutta police not done? In this case, they have done everything, and I do it. I am saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case. To collect evidences, they have collected the best of evidences. The main accused has been arrested. Commissioner Sahab, media pe aap bhale se hi sara thikra phod de. आप कहिए कि यहाँ पर गलत बयानी की गई, कि रिपोर्टिंग सही नहीं की गई, कि पुलिस से सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। अरे अगर कोई परिवार कह रहा है कि हमें सही सूचना नहीं दी गई, कि पहले हमें ये कहा गया कि हमारी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, पहले अगर अननेचुरल डेथ का केस बनाया गया तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। और सवाल पूछने पर आप ये कह रहे हैं कि पूरा माहौल कौन खराब कर रहा है, वो लोग नहीं, वो गुंडे नहीं जो लाठी डंडे लेकर के डॉक्टरों को पीट रहे हैं, जो आरजी कर अस्पताल के अंदर घुस करके तोड़फोड़ कर रहे हैं, माहौल मीडिया खराब कर रही है। चलिए अगर माहौल मीडिया ही खराब कर रही है तो क्या तोड़फोड़ भी मीडिया कर रही है, क्या सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मीडिया की है, क्या मीडिया को वहां बाहर खड़े होकर के जो ट्रक भर भर के लोग आ रहे थे उनको रोकने की जिम्मेदारी भी मीडिया की है, और उनकी शिनाख्त पहचान और अरेस्ट करने की जिम्मेदारी भी क्या मीडिया की है? तो फिर मीडिया ही सारा ये काम कर ले तो फिर पुलिस क्या करेगी भास्कर जी? देखिए पुलिस हैज आइडेंटिफाइड, आज पुलिस की तरफ से बोला गया कि कितने कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, उसको ढूंढ रहे, पुलिस ढूंढ रहे हैं। इसका पहले मैं कहना चाहता हूँ, विदाउट एनी एविडेंस आप कह दिया कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। जैन साहब को मैं पूछना चाहता हूँ, डीजीपी रहे, कोई सबूत है आपके पास? पहला बात यह। दूसरा बात है कि अगर हम लोग मतलब पुलिस अगर कुछ करते तो इन लोग कहते हैं कि पुलिस हमको पुलिस एट्रोसिटीज के खिलाफ इन लोग और भी मामला बिगाड़ देते हैं। पुलिस क्या क्या नहीं किया? पुलिस ने पहले बोला गया कि देखो वो जगह जहां पर घटना घटी सर, कल रात को पुलिस ने क्या कर दिया, कल रात को पुलिस ने क्या किया, ये रॉन्ग है भास्कर जी। आप पीछे मत जाइए, आप सिर्फ कल रात की जवाब दे दीजिए। कल रात को पुलिस ने क्या किया, कौन बचाया, कौन? अरे सर जब एक घंटे तक तांडव चलते रहा उसके बाद मतलब क्या करें, आपको थैंक यू कहें कि एक घंटे बाद कम सर जितने लोग आए थे ट्रक में बैठकर चले गए, वो तो रफू चक्कर हो गए। पंकजा जी कहने दीजिए। देखिए पुलिस इंजर्ड हुआ, कोई भी डॉक्टर इंजर्ड नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ, यू फाइंड अ सिंगल पर्सन Who was injured? Lockheed Chatterjee. Police was injured. Police तो hero थे, आप उनको villain बना रही हैं. Lockheed Chatterjee. ये police को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे. वहाँ पे जो TMC का जो police injured हुआ कि नहीं हुआ? ये बताइए. वहाँ पे तो है. कोई doctor injured हुआ? नहीं हुआ. Police बचाया. आपने जान पे बाजी लगा के बचाया. डॉक्टर्स के ऊपर पूरा अटैक हुआ है उनका नेतृत्व में, क्योंकि सबको पता है ये जो बहुत बड़ा जो घटना घटी है इसमें बहुत प्रभावशाली टीएमसी का लोग इसमें जुड़े हुए हैं। डॉक्टर्स वेयर इंजर्ड, ममता बैनर्जी उस सरकार ने पूरा सामने आके ड्रामाबाजी कर रहा है, और जो कॉन्स्पिरेसी पीछे में चल रहा है इसमें बहुत बड़ा बड़ा लोग है। किसी एक को स्केपगोट करके तोड़फोड़ करके सबूत को मिटाने का कोशिश ये लोग कर रहा है, ये पूरा साफ हो गया है, सब लोग जानते हैं।
वो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रही हैं। भास्कर जी कह रहे हैं आप झूठ बोल रही हैं। कोई सबूत नहीं मिटाया गया। जी, आपको मैंने कोई सबूत नहीं मिटाया गया। कोई डॉक्टर, कोई पुलिस बचा रही थी लॉकेट चैटर्जी। लेकिन आई कैन शो यू दैट बहुत सारे पुलिस इंजर्ड, दे आर स्टिल इन हॉस्पिटल। पुलिस इंजर्ड हुआ। प्रोफेसर दिनेश वाशने, प्रोफेसर दिनेश वाशने, इल्जाम आप पर भी उतना ही है कि ये तो ममता बनर्जी के राज में सांठ गांठ है, टेबल के नीचे चले जाते हैं। लेफ्ट और बीजेपी मिली हुई है, दोनों मिल करके साजिश के तहत कल रात को आए, हमला किया और जानबूझ के तृणमूल कांग्रेस और पुलिस को एक गलत लाइट में दिखाने के लिए पूरी साजिश आपने की, डॉक्टर दिनेश वाशने। घायल तो पुलिस वाले हुए हैं, डॉक्टर घायल नहीं। देखो आप, हमारे यहाँ एक कहावत है हिंदी में कि अगर आप गलत जगह बबूल बोएंगे तो आपकी बाउंड्री वॉल तोड़ेगा घर की। ममता बनर्जी ने इन गुंडों को शेल्टर दिया था चुनावों में अपोजिशन कैंडिडेट को पीटने के लिए, नॉमिनेशन ना भरने के लिए। अब ये इन्हीं का खेल है। आपने भी क्वेश्चन पूछे कि पुलिस थी कहां अगर वो मॉब आ रही थी तो। आपकी एलआईयू इतनी फेल है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। दूसरी बात, सीपीआई या सीपीआईएम या बीजेपी के मिलने का सवाल ही नहीं उठता। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं भी एक प्रोफेसर रहा हूं, मेरे अंडर 3 मेडिकल कॉलेज थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मौलाना आजाद, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड यूसीएमएस। मैं नहीं मान सकता कि कोई डॉक्टर एमरजेंसी तोड़ेगा हॉस्पिटल की मॉब से। मैं नहीं मान सकता कि कोई भी डॉक्टर किसी भी हॉस्पिटल पर अटैक करेगा। 4 दिन से हम डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट थ्रू आउट बंगाल कर रहे हैं। कल रात मेदिनीपुर में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है, दिल्ली में किया है। हमने किसी प्रोटेस्ट में आज तक तोड़फोड़ नहीं किए। ये झूठ बोल रहे हैं, ये इन्हीं के बंदे हैं जिससे कि ये टीएमसी के लोग हैं, जिससे कि जनता को डरा दें कि अब तुमने प्रदर्शन किए तो तुम पे भी हम हमले करेंगे। पर हम इनको बता देना चाहते हैं टीएमसी वालों को, वामपंथी काडर ना तो इनसे डरा है ना डरने वाला है। हम मर जाएंगे, हम कट जाएंगे, पर हम उस लड़की की इज्जत और औरतों की इज्जत के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे बंगाल में। देखिए जो सिन्हा रॉय कह रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी राम और राम ने मिलकर की है साजिश। अभी अभी ममता बनर्जी मिली है राज्यपाल से, सीवी आनंद बोस से उन्होंने मिली है, उन्होंने मुलाकात की कोलकाता के अस्पताल में जो तोड़फोड़ हुई उसको लेकर के बातचीत की गवर्नर से और एक बहुत बड़ा बयान दिया है, फिर से एक साजिश की तरफ इशारा किया है और कहा कि सियासती ताकतें तोड़फोड़ के पीछे हैं, तोड़फोड़ के पीछे वाम और राम। प्रोफेसर दिनेश वाशने, वाम और राम यानी कि लेफ्ट और राइट मिल करके टारगेट कर रहे हैं ममता जी को। प्रोफेसर वाशने, ऐसा ममता बनर्जी ने आप आधिकारिक तौर पर बोल दिया है, राम राम का गठबंधन। ठीक है, सुनिए, ये जब से ममता बनर्जी आई है तब से उनका एक परमानेंट औजार है कि अपने फेलियर के लिए, अपनी असफलता के लिए राम और राम बोल देंगी वो। जब जब ममता बनर्जी का प्रशासन असफल हुआ है, जब जब ममता बनर्जी की अर्थव्यवस्था असफल हुई है, उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया राम और राम। मैं बार बार कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, इसकी वीडियो निकाल ले पुलिस, सबके सामने बता दे कि साहब ये वामपंथी हैं, ये बीजेपी के। आपने तो आज तक किसी आपने वीडियो की बात की, कुणाल घोष जो कि प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने एक ट्वीट की है, उसकी तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूँ प्रोफेसर वाशने, क्योंकि एक तरह से जब षड्यंत्र की बात हो रही है तो कुणाल घोष, उन्होंने भी आज क्या बोला, उन्होंने कहा सिर्फ एक ही महिला मुख्यमंत्री है हमारे देश में जो कि सच में महिलाओं के साथ खड़ी हुई है, जो महिलाओं के हक की बात करती है और सब मिल करके घेर करके उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कुणाल घोष ने आज ये जो ट्वीट किया है बंगाली में, उसका मतलब है ए पॉलिटिकल, यानी कि सच में क्या ये अराजनैतिक प्रदर्शन था। साथ में उन्होंने क्या दो तस्वीरें डाली, ये जो तस्वीर आपको दिख रही है ये उन झंडों की है जो कि कुछ प्रदर्शनकारी पकड़े हुए थे, उनमें से एक झंडा DYFI जो कि एक वामपंथी छात्र संगठन है, DYFI का ये झंडा बताया जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर कुणाल घोष ने ट्वीट की है और उनका सवाल है क्या सच में ये राजनीतिक था या नहीं। प्रोफेसर वाशने, DYFI के झंडे की तस्वीर कुणाल घोष डाल करके पूछ रहे हैं, राजनीतिक था प्रदर्शन और राजनीतिक थी तोड़फोड़, उनका कहना है। पद्मजा, ये 100% बीजेपी, सॉरी टीएमसी स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट था
हॉस्पिटल को तोड़फोड़ करना, ये झंडे इन्होंने बनवा के अपने वहां लगवा दिए, अपने लोगों को झंडे दे दिए DYFI के। ये हमेशा करती है TMC, ये हमेशा करती है, चुनावों में भी इन्होंने ये किया हुआ है, पहले भी एंटरप्रोसेशन में ये कर चुके हैं। अगर इनकी हिम्मत है तो इसका एक फुटेज का एक फेस दिखा दे कुणाल घोष। देखिए वामपंथी को अटैक करना है, आदत है करने, करना चाहते हैं टीएमसी को, मुंह से निकला बीजेपी की, ये बीजेपी की साजिश है, ये बीजेपी का टूलकिट है। एक बार ममता बनर्जी को सुन लेते हैं, राज्यपाल से मिलने के बाद क्या बोला ममता बनर्जी। डरनी है आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करने से। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না, বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গণ্ডগোলটা করেছে। দেখিয়ে ইয়ে নয়া নারা হ্যাঁ লকেট চ্যাটার্জি, वाम और राम करना चाहते हैं ममता बनर्जी का काम तमाम। देखिए देखिए, हम लोग इंसाफ चाहते हैं, इसका विचार चाहते हैं, इसमें हम लोग कोई भी राजनीति नहीं चाहते हैं। लेकिन ममता बनर्जी और उसका पार्टी ने बार बार घुमा के फिरा के इसको डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति को लेके आओ, वाम को लेके आओ, राम को लेके आओ, हम कोई भी राजनीति नहीं चाहते। अब कल देखे हैं कि कल रात में जो पूरा सड़क पे पश्चिम बंगाल में हर जगह में हर गांव में पूरा महिला पूरा फैमिली अपने खुद को बेटी को बचाने के लिए सामने रास्ते के ऊपर आ गया है, एक ही चाहते हैं कि विचार इंसाफ चाहिए। तो ये लोग का कोशिश है और सिंपैथी दिखाने का है, ये लोग सिंपैथी दिखा रहा है कि ममता बनर्जी एक ही महिला मुख्यमंत्री है। आप देखिए, एक महिला मुख्यमंत्री के शासन में महिला लोगों को खुद को सुरक्षित करने के लिए रास्ते में उतरना पड़ता है। महिला मुख्यमंत्री इंसाफ मिलता है कोर्ट में, इंसाफ मिलता है कोर्ट में, इंसाफ के लिए CBI के दफ्तर जाना चाहिए। जब महिला जांच कर रहा है, इंसाफ तब मिलेगा जब सबूत मिलेंगे ना। अब देखिए ये थोड़ा सा तो बड़ा अजीब सा कोइंसिडेंस लगता है कि कल पहला दिन था CBI की जांच का, CBI करीब 5 घंटे बिताती है कॉलेज के अंदर, जब वो सबूत इकट्ठा करना शुरू ही करती है, रात को एक अचानक से भीड़ पता नहीं कहां से आ जाती है, रात के अंधेरे में ही तोड़फोड़ करके फिर गायब हो जाती है। इंसाफ कौन देता है? ये तो बात अजीब लगती है कि जैसे ही जांच शुरू हुई वैसे ही अचानक सब तोड़फोड़ शुरू हो गई। नहीं नहीं, ये तोड़फोड़ जो कल धरना प्रदर्शन किया, गुंडे थे इन लोगों के अंदर बीजेपी। अरे भाई, आपकी पुलिस आ रहे थे, हम लोगों का पुलिस तो होनी चाहिए थी हॉस्पिटल में। नहीं सुनिए, इंसाफ कौन देगा? क्या बात करते हो यार, नहीं दिया गया क्या? इंसाफ नहीं दिया गया? आप ये मुझे बताओ कि कौन देगा? कोर्ट तो कोर्ट में कहीं नहीं जाते आप लोग अस्पताल तोड़फोड़ क्यों करते हैं सर? आप ये बड़ा कन्वीनियंट है कि जब आपकी पुलिस से सवाल पूछे जाए, जब आपकी पुलिस से सवाल पूछे जाए, पहले जांच पे सवाल पूछे गए, आपने कहा चलो अब तो CBI चला गया, हम पहले ही दिन से तैयार थे, आप तोड़फोड़ पे पूछा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि भाई ये तो दो लोग मिल करके हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। ये कंस्पिरेसी थ्योरी अब लोगों के गले नहीं उतर रही है सर? नहीं, आप बोलिए, हर चीज में आप कंस्पिरेसी थ्योरी ऐसे कब तक चलाएंगे? नहीं नहीं पंकजा जी, मुझे थोड़ा कहने दीजिए, आपको इंसाफ चाहिए, हमें भी इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, लेकिन इंसाफ मिलने के लिए अस्पताल के गेट पर बैरिकेड तोड़ के अंदर घुसना, क्या अस्पताल के अंदर में कोई है जो इंसाफ दिलाएगा? सर ये बताइए, बैरिकेड तोड़ के अंदर अगर भाजपा और वाम और राम कर रहे हैं, उनको इससे क्या फायदा होगा? वो ऐसा क्यों करेंगे? पॉलिटिक्स चाहिए, लास्ट चाहिए, लास्ट के ऊपर इन लोग राजनीति करना चाहता है बंगाल में बुरी तरह। हर एक उस दिन एके जैन जी, आपको क्या लगता है कि इस तरीके की हाई लेवल कंस्पिरेसी हो रही है कि लास्ट पे राजनीति करेंगे और दो गुट मिल करके? भास्कर सिन्हा बकवास कर रहे हैं। वैसे आप वाम और राम का नाम ले रहे हैं भास्कर जी, आपको पता है ना कि आपसे सवाल सिर्फ वाम राम नहीं, कांग्रेस भी पूछ रही है, हाथ भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, दीपा दास मुंशी भी आपसे सवाल पूछ रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल कांग्रेस भी उठा रही है। तो भले से ही आप वाम और राम को आड़े हाथों ले ले, हाथ पलट कर आपसे सवाल पूछ रहा है AK जैन जी, क्या ये सच में कुछ षड्यंत्र हो रहा है वाम राम? आप अपनी असफलता बताइए,
ये कोई षड्यंत्र नहीं है, ये खिसियाहट है इस बात की कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन चला गया है। आपने जो दीपा दा मुंशी जी ने कहा, मैंने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है, 150 ml सीमेन मिलना एक ये लिखा नहीं है, ये लिखा नहीं है, ये गलत ये जो है ये गैंग रेप, गैंग रेप की तरफ इशारा, गैंग रेप की तरफ इशारा, रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम दीपा दास मुंशी। डीजीपी साहब, आप यहाँ पर ये जो फैला रहा है ना, भास्कर सेना जी, जब आप बोलते हैं कि और नहीं बोलता है, किसी दूसरे को भी बोलने दीजिए। सर अभी तो गैंग रेप की बात कर ही नहीं रहे हैं भास्कर जी। गैंग रेप की तरफ इशारा कांग्रेस ने, आपकी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाया। मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के सुना देती हूँ कि उन्होंने बोला क्या है। उन्होंने कहा है कि किसी भी अस्पताल में ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, पार्क स्ट्रीट में ऐसी घटना हुई, और भी कई ऐसे हादसे हो चुके हैं। और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि एक जमींदारी किस्म का सिस्टम पश्चिम बंगाल में चल रहा है। कल टीएमसी के गुंडे एक अस्पताल के अंदर गए, वहां पर इतने सारे गुंडे जमा हो गए और किसी को पता भी नहीं चला, ऐसे कैसे हो सकता है? न्याय व्यवस्था पर वो सवाल उठा रही है। देखिए पंकज जी, दीपा दासमुंशी जी बहुत दिन पॉलिटिक्स में नहीं है, अभी फिर वापस आना चाहते हैं, ठीक है। एक भी राज्य कहिए जहां पर धर्षण के काम और गुंडेगारी ये सब नहीं होता है। बंगाल में बीजेपी को पॉलिटिक्स करना चाहिए, पॉलिटिक्स करने के लिए उनको लास्ट चाहिए। एक भी राज्य है जहां पर रेप नहीं होता है। यहाँ पर जो हुआ है, हम लोगों को इंसाफ चाहिए, टीएमसी को इंसाफ चाहिए, टीएमसी मांग रहा है इंसाफ, लेकिन इंसाफ मांगने के लिए अस्पताल में तोड़फोड़ करने का काम टीएमसी वाले नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं लास्ट चाहिए, कोई मुद्दा नहीं है बंगाल में, कोई मुद्दा नहीं है ये चीज को लेके घिनौना राजनीति कर रहे हैं वामपंथियों और बीजेपी। ठीक है, अब बताइए, वामपंथियों के शून्य सीट, आप ये बताइए आप डॉक्टर शांतनु सेन को जानते हैं? जानते हैं। कौन है डॉक्टर शांतनु सेन? डॉक्टर शांतनु सेन एक डॉक्टर है, उन्होंने जो कहा है वो पर्सनल बात कहे है। ये पहले से ही आप समझ गए मैं क्या पूछने वाली हूँ। आपके सांसद भी रहे हैं ना, तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी रहे हैं, तो क्या है, वो इंसान है, कह सकते हैं अपने हिसाब से। तो डॉक्टर शांतनु सेन आज तृणमूल कांग्रेस के नेता होते हुए भी, पूर्व सांसद होते हुए भी, एक डॉक्टर के नाते क्या कह रहे हैं, आप भी सुनिए और देश को भी सुनना चाहिए। सुनिए डॉक्टर शांतनु सेन को। हेल्थ डिपार्टमेंट में और हेल्थ सिनेरियो में जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैडम के पास शायद नहीं जा रहा है और शायद पहुंचने नहीं दे रहा है कुछ हैंडफुल पीपल का पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, तो हम नहीं बोलेंगे, आप लोग ढूंढ लीजिए। डॉक्टर शांतनु सेन भी मान रहे हैं कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है और ममता बनर्जी को पूरी सूचना नहीं दी जा रही है। और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज वो अपना डॉक्टर होने का दावा लगा रहे हैं, वो डॉक्टर होते हुए कह रहे हैं। मैं पूरा उनका वक्तव्य पढ़ करके सुना देती हूँ। वो कह रहे हैं कि there are many medical colleges in the country and West Bengal. Mamata Banerjee's government has developed every medical college so much, but there are multiple complaints which have been made against this principal. वो तो principal के ही ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ये principal के बारे में पहले भी कई शिकायतें की गई थी, और ये वही principal है जिनको एक college से हटा के आपकी सरकार ने दूसरे college में नियुक्त कर दिया था। ठीक है, तो डॉक्टर शांतनु सेन सवाल उठा रहे हैं। पंकज जी, ये उनका पर्सनल मतलब सवाल, मतलब पर्सनल स्टेटमेंट है। सर सुखेंदु शेखर रॉय कहें उनका पर्सनल है, डॉक्टर शांतनु सेन कहें उनका पर्सनल है, सुनिए ऐसी चीजों को कभी कभी पर्सनल भी लेना चाहिए, क्योंकि जब इतना जघन्य अपराध होता है सबको पर्सनल लेना चाहिए। इस अपराध के साथ ये स्टेटमेंट का क्या तालुकात है? तालुकात ये है क्योंकि वो खुद जो इस अस्पताल में हो रहा है उस पर सवाल उठा रहे हैं, इस अस्पताल प्रिंसिपल के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, वही बोल रहे हैं। इसके साथ ये हादसा का क्या संबंध है? इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं उठा रहे हैं सर,
प्रिंसिपल के रवैये पे, प्रिंसिपल के चरित्र पे, प्रिंसिपल के खिलाफ जो जो पहले घटनाएं घटी थी, उसपर सवाल उठा रहे हैं। आपके साथ जानते हैं कि प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायतें थी, तो सवाल तो ये भी उठता है कि आप सरकार ने प्रिंसिपल को पहले क्यों नहीं हटाया? ये घटना घटित होने के लिए क्यों वो इंतजार करते रहे? स्टेटमेंट का कोई संबंध नहीं है, संबंध है। और मैं दर्शकों को ये भी याद दिला दूं कि डॉक्टर संदीप घोष जिस प्रिंसिपल के ऊपर डॉक्टर शांतनु सेन सवाल उठा रहे हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं गए, उनको कोर्ट ने लॉन्ग लीव पर भेजा है, नहीं तो सरकार ने तो उनकी उनका तबादला दूसरे अस्पताल में कर दिया था। सीबीआई को जांच करने दीजिए, सीबीआई को बुलाए। लॉकेट चैटर्जी देखिए, एक्चुअली ये लोगों को, ये लोग चाहते ही नहीं है कि किसी को विचार हो, ये लोग चाहते हैं कि इसमें राजनीति आ जाए। और इसलिए खुद का जो नेता शांतनु सेन, कुछ दिन पहले राज्यसभा का सदस्य मेंबर था, उन्होंने सुगंधु शेखर राज्यसभा का है, उनका अपने बेटी के लिए रास्ते के खुद भी खड़ा हो गया। लेकिन तब ये लोग बोलते हैं, जब उनका सरकार के विरोध में कोई बात करते हैं तब बोलते हैं वो उनका वो अपना बात है। मतलब सच को जो लोग सामने लेके आ रहे हैं उनके लिए बोलता है कि वो पार्टी का नहीं है, पार्टी का उसका व्यक्तिगत बात है। हम ये बोल रहे हैं कि ये लोग चाहते ही नहीं है, बहुत सारा प्रभावशाली लोग का हाथ इसके ऊपर है, इसलिए पूरा एक साथ होके इसको छुपाने के लिए बहुत बड़ा कंस्पिरेसी करके आप कहानी बनाइए, लेकिन हकीकत ये नहीं है। कहानी तो हम लोग बना रहे हैं, सब लोग एक ही रिकॉर्ड बजा रहे हैं, आप लोग सब एक ही रिकॉर्ड बजा रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, तो कैसे हमें भी चाहिए प्रत्यक्षदर्शियों का जो उन्होंने उनके ऊपर कल क्या बीती, ठीक है चलिए, आपको लग रहा है यहाँ राजनीति हो रही है। तो भास्कर जी, कुछ डॉक्टर जो उस वक्त मौजूद थे अस्पताल में जब रात को 1 बजे के आसपास ये पूरी भीड़ जमा हुई, उन पर क्या बीती, उनके क्या सवाल हैं आपसे, वो आपको सुनवाती हूँ। ये कोई पोलिस्टर नहीं हो सकता, वो लोग एविडेंस मिटाना चाहते हैं, ये बड़ी बात है, यही तो सब लोग चाहते हैं ना, एविडेंस मिट जाए, जस्टिस ना मिले। किछु गुंडा माइनी दुष्कृति कल के आमार साथे एटा होते पारे, आमार बोनेर साथे होते पारे, कोथाय সুরক্ষা কোথায় নেই চাই আমি চাই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার একজন মহিলা মহিলা হয় মারছ শুনা আপনি এস মহিলা কো হ্যাঁ আমারই মুখ্যমন্ত্রী এক মহিলা হে মহিলাও কো মার কিউ পড় রহি হে ইয়ে এক ডক্টর বল রহি হে কোই পার্টি নি বল রহি হে নেই সহি বাত হে ইসিলিয়ে তো মানে পুছা কি ইনকো কেসে মালুম পড়া কি ওয়া পর সবুত মিটানে কে লিয়ে উন লোগ আ গয়ে। क्या सबूत मिट गया? आप कह रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी है वो झूठ बोल रहे हैं? कुछ हुआ नहीं, नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। प्रदर्शनकारी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। बाहर में प्रदर्शनकारी जो खड़े थे वो क्या डॉक्टर थे? गेट के बाहर जो लोग खड़े थे कल, तो सारे भाजपा के थे, शाम को 6 बजे से जो लोग इकट्ठा हुआ क्या उन लोग डॉक्टर थे? भास्कर जी, जो लोग पुराना टूल नहीं हो गया कि जो सवाल पूछे आप उसको राजनीति से प्रेरित बोल दें, कभी कोई सवाल पूछे उसको कम्युनिस्ट बोल दें, कभी कोई अपनी आवाज उठाए उसको राम बोल दे, अगर हकीकत बताया जाए, मतलब कोई अपनी आवाज ना उठाए, नहीं आवाज उठाए, अपनी आवाज उठाए तो उसको पीट दो, कोई आवाज उठाए उसको पॉलिटिकल पार्टी बोल दो। और ममता बनर्जी ने कहे कि हमको फांसी चाहिए, क्या सीबीआई कल फांसी दे देंगे? सर फांसी तो दूर की बात है, अभी तो अपना मुंह खोलने में डर लग रहा है लोगों को, फांसी मांगना तो बहुत दूर की बात है, वो तो चुपचाप एक जगह पे बैठे थे, क्या मिला उनको? लाठी मिली, लाठी नहीं, ऐसा बात नहीं है, जो ऐसी बात है थे, उन वो कौन थे आप बताइए? वो डॉक्टर नहीं थे, कल जो बैरिकेड तोड़ा पुलिस के ऊपर जो मारपीट किया। चलिए आप बार बार जो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं वो डॉक्टर नहीं थे, आपको कैसे पता वो डॉक्टर नहीं थे? क्योंकि कल जो लोग वहां पर जो थे, पुलिस से पूछिए, डॉक्टर लोग, कुछ डॉक्टर अंदर में थे, बाहर में जो लोग इकट्ठा हुआ जो स्लोगनिंग एंड शाउटिंग कर रहा था वो डॉक्टर नहीं थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये, आप पूछिए क्या सारे जितने लोग थे अस्पताल में सब पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता थे? नहीं, बाहर में जो लोग थे और बाहर से अंदर घुसे उन लोग डॉक्टर नहीं थे, और एक भी डॉक्टर को इंजरी होने नहीं दिया गया। पुलिस गॉट इंजर्ड एंड दे आर एडमिटेड इन हॉस्पिटल एट दिस मोमेंट।
सो मेनी पुलिस ऑफिसर्स। तो जो पूरे देश में, क्योंकि क्योंकि प्रदर्शन जो है सिर्फ कलकत्ता में तो हो नहीं रहा, दिल्ली में हो रहा है, बैंगलोर में हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है, आप कह रहे हैं कि जो पूरे देश में डॉक्टर सड़कों पर बैठे हैं वो सब वाम और राम के कार्यकर्ता हैं, सब या तो वामपंथी हैं या भाजपा के। हमने ये नहीं बोला, हमने ये नहीं बोला, हमने बोला कल राजकीय अस्पताल के सामने सीपीएम का पूरा वो था, एसएफआई डीवाई एफआई का, तो आपने जमा क्यों होने दिया? इतनी संवेदनशील स्थिति है, 14 अगस्त की तारीख है, आपको अगर पता ही था कि वो गुंडागर्दी करने वाले हैं, भगा देते उनको वहां से, आपने क्यों जमा होने दिया? वो हमारा काम नहीं है। अरे आप 144 लगाते हैं ना भाई, 14 अगस्त इतना संवेदनशील वक्त है, आप 144 लगा के हटा देते हैं वहां से। हम लोग आपको सब कुछ पता, आपको तो, आपको तो एक एक चीज पता है भास्कर जी, कि ये वामपंथी हैं, ये भाजपा के हैं, ये तोड़फोड़ करने वाले हैं, ये गुंडे हैं, ये डॉक्टर नहीं है, सभी कुछ आपको पता था, तो आप इंतजार किस चीज का कर रहे थे, भगा देते हैं? हम लोग क्या, कानून हमारा हाथ में नहीं लिया जा सकता है, हम लोग फ्रीडम एट मिडनाइट बना रहे थे, हम लोग वहाँ पर कन्याश्री दिवस बना रहे थे। फ्रीडम एट मिडनाइट तो पता नहीं, पर गुंडागर्दी एट मिडनाइट तो हो गया, सीपीआई के हाथ में चला गया। हम लोग 12 बजे कल बनाया ना, ममता बनर्जी ने पूरा शाम तक वहां पर थे, चारों तरफ हम लोग। लोकेट चाटर्जी जी, इस सवाल का जवाब दीजिए, एक बात इनकी वाजिब है, जो भास्कर जी कह रहे हैं कलकत्ता में ही अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन चल रहे थे, पर सिर्फ आरसी कर में ही हिंसा क्यों हुई? कुछ तो गड़बड़ है। पूरा प्रदर्शन, जब पूरा देश, पूरा बंगाल, पूरा प्रदर्शन में बिजी थे उस टाइम में, आरजी कर को ये लोग टारगेट किया, क्योंकि उस टाइम में सब जाके जो भी सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये सीबीआई के हाथ पे जा चुके हैं, और जो सेमिनार हॉल में जो ये जो हुआ था, इसमें ये सीबीआई हॉल, सेमिनार हॉल को भी ये लोग तोड़फोड़ करने का कोशिश पुलिस के तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से हो रहा था। अभी ये लोग चाहते हैं कि जो सीसीटीवी कैमरा है उसको भी तोड़फोड़ कर दो, जो भी सबूत है उसको तोड़फोड़ करने का सबसे अच्छा मौका है रात में, जब सब लोग भास्कर जी कह रहे हैं आपको कैसे पता, उस टाइम में ये लोग गया और भास्कर जी कह रहे हैं झूठ है, ऐसा कुछ नहीं, कोई सबूत नहीं मिला है, अभी भी आप जाके देख सकते हैं, सेमिनार रूम इज सील्ड बाय सीबीआई एंड इट इज इंटैक्ट, आपको मालूम नहीं है कहां पर है, आप जानते हैं सीबीआई जो सील किया हुआ है अभी भी उसी हिसाब, उसी हाल पे ही है, कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ उसी रूम का। अब आप क्या बोल रहे हैं हमको मालूम नहीं है, पूरा खबर लीजिए फिर बात कीजिए। आप जानते हैं, आपका सरकार सब कुछ जानते हैं, लेकिन अभी तक आपने दोषी लोग को अभी क्यों नहीं पकड़ पाए? सबूत मिटाया गया क्या? कोई डॉक्टर इंजर्ड हुआ? सबूत क्या मिटाया गया? पंकजा जी ये सवाल पूछ रहा हूँ मैं, लेके दूसरा हॉस्पिटल में बनाने का अवार्ड भी दे दिया, तो क्या है अंदर में? आप ये जांच हो रहा है क्या? या किसी का छुपाने का नाटक चल रहा है? करना चाहते हैं ये मत कीजिएगा। आप देखिए कोई भी सबूत नहीं मिटाया गया, बार बार बोल रहे हैं पुलिस ने सबको, जरूर आप बंगाल में एके जैन जी, एक विशेषज्ञ के तौर पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सेमिनार रूम को सील करके रखा हुआ है, सरकार और पुलिस बार बार ये कह रही है कि उधर पर कुछ भी क्षति नहीं हुई है, उसको सील किया गया है, क्या अब जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है किसी तरीके से उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? आसपास तोड़फोड़ हुई है, शायद सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े गए हैं, पर सेमिनार रूम में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, ऐसा कहना पुलिस और सरकार का। देखिए मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, सीबीआई टीम पर भी अटैक हो सकता है, जो इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हैं उनको भी हार्म पहुंचाया जा सकता है, उनको सेंट्रल फोर्सेस की पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य जो बच गए हैं मौके पर उनको भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण होंगे। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, जो वहां से जब डीएनए सैंपलिंग होगी अलग 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 उसकी, उसके लड़की के, उस बच्ची के पेरेंट्स भी यही एलर्ज कर रहे हैं, ये जो हो रहा है, ये जिस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये क्या डॉक्टर्स हैं? ये स्ट्रीट गूंस हैं? ये लोफर्स हैं? ये सब कलेक्ट किए गए, कौन कलेक्ट करेगा?
मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि इसको कोई कैसे डिनाई कर सकता है। आप मुझे ये बताइए कि अगर 14 अगस्त पे तो जो स्टेट पुलिस है सर्कुलर भी भेजती है ना कि किस तरीके के चेक पॉइंट्स होने चाहिए, कैसा सिक्योरिटी सेटअप होना चाहिए, आपके एक्सपीरियंस में कभी आपने देखा है कि ट्रक भर भर के लोग कहीं जा रहे हैं और मूवमेंट का अंदाजा ही ना हो पुलिस को? नहीं नहीं जी, सब पता रहता है और इन्होंने पुलिस पर भी अटैक किया। मैं पुलिस कमिश्नर को दोष नहीं दूंगा, हो सकता है उनकी कलकत्ता की पुलिस ने पूरा प्रयास किया हो केस को वर्कआउट करने का, जो भी एविडेंस वहां पर थी उसको कलेक्ट करने का किया हो, मैं कभी भी आरोप नहीं लगाया। पर यह है कि अगर इन्वेस्टिगेशन हाईकोर्ट के द्वारा सीबीआई को दिया गया है तो सीबीआई को भी काम करने दिया जाए, सीबीआई भी अपना काम करेगी, जिस निष्कर्ष पे पहुंचेगी, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उसको उसको कोर्ट में मेरिट पर डील किया जाएगा। पर इस तरीके से जो ये घटना हुई है, मैं इसको बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड मानता हूं कंट्री की हिस्ट्री में। इस प्रकार से चैलेंज करना कि आपने हमारी अथॉरिटी को चैलेंज किया, आपने यहां पर प्रदर्शन किया, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई भी एविडेंस किसी भी राज्य में इतनी जघन्य घटना होती है, लोगों का गुस्सा उबाल पर होता है और इस सब के बावजूद ट्रकों में भर भर के लोग आते हैं, मारपीट करते हैं, ट्रकों में भर भर के लोग आते हैं और फिर रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। कहां से मिला है भास्कर जी? ये डॉक्टरों ने ही ये वीडियो खींचे हैं और ये वीडियो दिखाए हैं और हम वीडियो अभी वो दिखा भी रहे हैं। ये डॉक्टर्स ने खुद अपने ये वीडियो शूट किए हैं और ये सारे लोग कैसे रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता। अभी अगर साजिश है तो किसकी साजिश है, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ती हूँ।